नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में हम इस तरह किसी भी फ़ोन की स्विच को रिप्लेस करना सीखेंगे। दोस्तों फिलहाल मेरे पास जो ये फ़ोन है ये एक वीवो का फ़ोन है और इसकी पावर स्विच काम नहीं कर रहा है, तो इस फ़ोन की पावर स्विच को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों के यहाँ पे इसको रिप्लेस करने का दो मेथड दिखाऊँगा। दोस्तों उस दो मेथड के जरिए आप लोग इस तरह किसी भी फ़ोन की स्विच को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें से अभी हम पावर स्विच को रिमूव करेंगे और अभी हम इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज करेंगे। दोस्तों इस फ्लैक्स केबल से स्विच को रिमूव करने के टाइम या फिर लगाने के टाइम हमारे बहुत से टेक्नीशियन भाई की फ्लक्स केबल फूल जाते हैं या फिर जो स्विच लगाते हैं वो जल जाते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी हम देखेंगे इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से स्विच को किस तरह सेफली रिमूव करते हैं ताकि हमारा जो फ्लक्स केबल है वो ना जले ना फूले। तो इसके लिए आपको ये जो सोल्डरिंग आयरन की मेन एलिमेंट की हेड है इस एरिया के अंदर ही स्विच की फ्लक्स केबल को आराम से रखना है और इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह आप लोग इसको बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम देखेंगे इस जगह में किस तरह स्विच को सेफली लगाते हैं। उससे पहले हम इस जगह को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद स्विच की जो पॉइंट है उसको भी रिवॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे स्विच की पॉइंट को भी रिवॉल्व कर लिया और अभी मैं आपको ये लगाने का तरीका दिखाऊंगा। और ये जो मैं आप लोग को इसको इस तरह लगाने का तरीका दिखा रहा हूँ ये पहला तरीका दिखा रहा हूँ, फास्ट मेथड, ठीक है। और फास्ट मेथड में हम इसको एक नॉर्मल पैन आयरन की मदद से लगाएंगे। इस तरह आप लोग इस स्विच को बड़ी आसानी से लगा सकते हो। और दोस्तों ये हमारा पहला मेथड, इस मेथड के जरिए आप लोग एक नॉर्मल पैन सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही स्विच को बड़ी आसानी से लगा सकते हो। और अभी मैं इसको लगाने का नंबर टू मेथड को दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं जो स्विच इसके अंदर लगाया है उसी को रिमूव करके फिर दोबारा लगा के दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको सोल्डरिंग आयरन के जिस एरिया में मैं आप लोगों को इस फ्लैक्स केबल को रखने के लिए कहा था उसी में आपको इसको रखना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसको रिमूव करके फिर लगा के किस तरह इसको लगाना है। और ये आपको बिल्कुल हल्के हाथों से रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो पहले इसको रिमूव करके फिर लगा के दिखाता हूँ और उसके बाद इसको चेक करेंगे। इस तरीके से आप अगर नया स्विच को लगाएंगे तो भी आपको स्विच की जो पॉइंट है उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वही स्विच को उठा के दोबारा लगाया इसलिए मैं इसको दोबारा रिवॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप लोग इस स्विच को लगा सकते हो। दोस्तों हमारा स्विच यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ चुका है और अभी हम इसको चेक करके देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुई है या नहीं। दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह आप लोग किसी भी फ़ोन की स्विच को
रिप्लेस कर पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।